अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में इस वक्त सूरत हाल जो है वो नॉर्मल हो चुकी है। कल जुमे के दिन जिस तरह से इंटीरियर मिनिस्ट्री ने कहा, हमें बड़ा अफसोस है कि हमें 3-4 घंटे के लिए सोशल मीडिया बंद करना पड़ा, लेकिन वो भी एक जरूरी था ताकि कुछ भी जो मामला है उसको एक तरफ ले जाया जा सके। होता ये है कि इस तरह के वाकयात में जो लोग शामिल होते हैं, कई लोग शामिल होते हैं, वो जेन्युइन भी शामिल होते हैं। उनका एक जो मामला है हमारा इस वक्त, एक जो मजहबी मामला है या रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो इश्क का मामला है, वो तो हम सबका एक यकसा है, उसके ऊपर तो किसी को कोई दो राय ही नहीं है। जब तक हमारी जानो माल, हमारी आलो औलाद से ज्यादा हमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुरमत प्यारी ना हो, तो जाहिर है हम तो मुसलमान ही नहीं है। तो जब तक इसके ये जो असूल है वो सबके ऊपर है, लेकिन इस असूल के लिए सियासत करना इस असूल के ऊपर और इस तरह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के ऊपर अपने जाती मुफाद को करना, ये तो बड़ा ही मैं समझता हूँ एक अनफॉर्चुनेट बात थी। और ऐसे मामलात में जो फिरका वाराना हमारी तंजीमें हैं, हमें माजी में पता है, हमने जब कराची में तहकीकात की थी तो आपको पता है उसमें रॉ का हाथ था, उसमें वो जो वहां पे जो फसादात कराए गए थे फिरका वाराना, उसमें उस वक्त जो तहकीकात सामने आई थी उसमें हमारे दुश्मन मुल्क का हाथ था। तो यहाँ पर भी जमातें हैं जो इस्तेमाल हो जाती हैं और कई दफा पता भी नहीं चलता उनको कि वो किसके हाथों इस्तेमाल हो रहे हैं। और इस तरह के जो फितने जिसके नतीजे में मुल्क कमजोर हो, जिसके नतीजे में आपकी एक आलमी हैसियत मुतासर हो, उसको कोई इजाजत नहीं दी जा सकती। और इसके लिए हम हुकूमत की सतह के ऊपर, पाकिस्तान की जो पुलिस है, स्पेशली पंजाब पुलिस है, सिंध पुलिस है, हमारी जो खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस है, बलूचिस्तान की है, बाकी जो सिक्योरिटी इदारों ने जिस तरह से इनको एक जल होकर के इस फितने को नाकाम बनाया, उसके ऊपर हम उनको मुबारकबाद भी पेश करते हैं और उनको ये भी यकीन दिलाते हैं कि हम आपकी जो कैपेसिटीज हैं उनको बढ़ाने के लिए बड़े संजीदा हैं। और इंशाल्लाह कतई तौर के ऊपर पाकिस्तान दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है, हम एक एटमी ताकत है, हमें पाकिस्तान को रियासत को अंडरमाइन को कैसे कर सकता है। देखें यहाँ पे हमने इतनी बड़ी जिसको सुपर पावर जो है वो अफगानिस्तान में शिकस्त नहीं दे सके, हमने पाकिस्तान में हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने, हमारी पाकिस्तान की फौज ने, हमने उनको शिकस्त दी है। पाकिस्तान की रियासत कमजोर रियासत हरगिज नहीं है, और कोई ये समझने की गलती भी ना करे, हम अपनी एक जहां पर हमारे जो जमहूरियत है उसमें मुख्तलिफ नुक्ता नजर आते हैं और नुक्ता नजर को सुना जाता है और यही एक फंक्शनल डेमोक्रेसी होती है। लेकिन अगर आप ये समझेंगे कि आप हुकूमत को एक ब्लैकमेल कर लेंगे या ये समझेंगे कि आप हुकूमत के ऊपर ताकत से बलवे करके कुछ कर लेंगे, ये तो नहीं हो सकता। पाकिस्तान दुनिया की 5वीं बड़ी रियासत है, 7 दुनिया की एटमी ताकतें हैं उनमें हम शामिल हैं, सबसे बड़ा दिफाई निजाम पाकिस्तान का, मुस्लिम वर्ल्ड में अगर आज किसी का डिफेंस सिस्टम है, किसी की फौज है, तो वो पाकिस्तान की है। सो अंडरमाइन ना करें, पहले तो ये गलतफहमी दूर कर ले, जो भी लोग पाकिस्तान को अंडरमाइन करना चाहते हैं वो ये गलतफहमी दूर कर ले, ये नहीं होगा। और पाकिस्तान की रियासत एक अजीम रियासत है, इसको आगे बढ़ना है, पाकिस्तान के अवाम जो है वो एक अजीम कौम है और इसको आगे जाना है। दूसरी बात, इसी तासुर को मैं ये भी यहाँ पे ये बताना चाहता हूं कि ये जो फैसला था यहाँ पे जो हुआ है, ये हमारा अपना इंटरनल फैसला था, किसी हुकूमत ने, किसी बैनुल अक़वामी ताकत ने या किसी बैनुल अक़वामी जो मुल्क है उसने हमसे इस तरह के किसी एक्शन का मुतालबा नहीं किया। ये फैसला हमारा इंटरनल फैसला था और इसके लिए मैं अपनी जो इंटीरियर मिनिस्ट्री है, हमारी जो रिलीजियस अफेयर्स मिनिस्ट्री है और हमारी जो सूबाई हुकूमतें हैं उनको भी मुबारकबाद देना चाहता हूं कि कितना एक उन्होंने ज्वाइंटली मिलकर के ये एक्शन लिया और ये अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हुआ। और इसके नतीजे में ये बात एक दफा फिर फर्मली जो है एस्टेब्लिश हो गई है कि रियासत की रिट को चैलेंज जो है वो नहीं किया जा सकता। इसी को आगे बढ़ाते हुए मैं कल राणा सनाउल्ला साहब ने जो एक बयान दिया जिसमें उन्होंने जो चीफ सेक्रेटरी पंजाब और कमिश्नर और दीगर जो हमारे अफसरान हैं उनके साथ तकरीबन वही जुबान इस्तेमाल की जो इस एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप ने इस्तेमाल की थी कि आपके बच्चे हैं,
ये जुबान जो राणा सनाउल्ला ने कल इस्तेमाल की, ये इससे पहले अल्ताफ हुसैन ने इस्तेमाल की थी, इसके बाद ये जो मजहबी तंजीम है इन्होंने इस्तेमाल की थी। आपने दोनों को देख लिया है कि वो इस वक्त कहां पे है। और आज मैं ये भी बताना चाहता हूं कि हमने ये फैसला किया है कि राणा सनाउल्ला के खिलाफ इस जो उन्होंने गुफ्तगू की है उसके ऊपर टेररिज्म का और मुतलका कवानीन का पर्चा होगा, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। किसी शख्स को यह इजाजत नहीं दी जा सकती कि वो हमारे सरकारी अफसरान के बीवी बच्चों को धमकियां दे, वो उनको ये कहे कि हम आपने भी यहां रहना है हमने भी यहां रहना है, चाहे वो राणा सनाउल्ला हो चाहे कोई और बच्चा बलूंगड़ा हो पीएमएलएन का। आपने सियासत करनी है पाकिस्तान के आईन की हदूद में रह के करनी होगी। आपने यहां पर इलेक्शनों में हिस्सा लेना है, आईन की हदूद में रह के करना होगा, कानून का एहतराम करना होगा। ये जो आपको नया नया अल्ताफ हुसैन बनने का कभी कभी शौक आ जाता है, ये आपको अपने दिमाग से वसवसे निकालने होंगे। ना आप इदारों के बारे में तोहीन आमेज गुफ्तगू करेंगे, ना आप अफसरान को धमकियां देंगे। अगर आप अफसरान को धमकियां देंगे, अगर आप पाकिस्तान की हुर्मत के ऊपर जो है वो आंच लाने की कोशिश करेंगे, अगर आप इदारों को इस तरह से ब्लैकमेल करने की कोशिश करेंगे, आपको कार्रवाई का सामना जो है वो करना पड़ेगा। सो राणा सनाउल्ला के खिलाफ अहकाम दिए जा रहे हैं कि उनको जो है वो इस लैंग्वेज के ऊपर जो है वो केस में बुक किया जाए। तीसरा जाति उमरा का, जाति उमरा में कोई घर गिराने का कोई प्रोग्राम किसी का नहीं है। कल भी शहजाद अकबर साहब ने यह बात वाजे की है, एक प्रोसेस था जो 6-8 महीने पहले शुरू हुआ। प्रोसेस क्या था, प्राइम मिनिस्टर साहब को रिपोर्ट आई कि बहुत सारे एमएनएज हैं जिन्होंने अपने अपने इलाकों में कब्जे किए हुए। प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनके ऊपर इंक्वायरी मार्क की, पंजाब हुकूमत ने उस इंक्वायरी के ऊपर लोगों के कब्जों की जमीनें जो हैं वो छुड़ाने का एक पूरा एफर्ट जो है वो लॉन्च की। उस एफर्ट के नतीजे में मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जमीनें छुड़ाई गई, उनमें जो खोखर बरादरान थे उनका कई सौ किनाल के ऊपर छोटा सा घर है माशाल्लाह, जिसको वो ऐसे रोके कहते हैं कि बड़ा छोटा सा घर है, सारी सरकारी जमीन के ऊपर कब्जा किया, पैलेस बना लिया। इसी तरीके से और जो हमारे एमएनएस थे उनमें दानियाल अजीज साहब का भी नाम शामिल था, उसमें और भी बड़े एमएनएस का नाम शामिल थे, इन सारे लोगों के खिलाफ वागुजार कराई गई जमीनें, और इसमें नॉन पॉलिटिकल भी थे। खुद हमारे पास जेलम में हमने सैकड़ों एकड़ जगह जो है खाली कराई, जिसके पीछे पुश्त बनाई सियासियों की थी लेकिन वो किसी और के कब्जे में थे और भी जगहों के ऊपर, और तकरीबन जो है वो अरबा रुपए की जमीन कराई गई। अब इसी में पता चला जाति उमरा के अंदर उन्होंने क्या किया था कि सरकारी जमीन एक बूढ़ी औरत के नाम मुंतकिल की गई, वो बूढ़ी औरत बेनामी थी, उनका सिर्फ उनका नाम इस्तेमाल किया गया, और उसके बाद नवाज शरीफ साहब की वालदा के नाम के ऊपर वो जमीन ट्रांसफर हो गई। ये एक खुली बदयानती और खुला कब्जा करने का मामला था, इसके ऊपर पूरी कार्रवाई हुई, नोटिसेज हुए, रेवेन्यू अथॉरिटीज ने जो है वो डिक्लेयर किया कि ये जमीन सरकारी जमीन जो है ये गलत तौर के ऊपर दी गई, उसके ऊपर कार्रवाई होनी है। पीएमएलएन के पास हक है, वो जाके रेवेन्यू अथॉरिटीज के फैसलों को चैलेंज करें, उन्होंने चैलेंज किया है सिविल कोर्ट में, पूरा लीगल प्रोसेस फॉलो किया जाएगा। लेकिन ये मुतालबा नहीं हो सकता कि अगर हमने सरकारी जमीन के ऊपर कब्जा करके घर बना लिया तो अब उसे कोई ना गिराए। आप ना सरकारी जमीनों के ऊपर आप कब्जे करेंगे, ना आप कमिश्नर को धमकियां देंगे, ना आप चीफ सेक्रेटरी को धमकियां देंगे, अगर आप देंगे आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये जो है वो पैगाम जोई साहब आज जंगीर तरीन ने और उनके एमएनए और एमपी ने प्रेस कर लेकिन अगर माजी में देखा जाए कि पीटीआई ने वफाक के अंदर सबसे सीनियर अफसर पर डंडों की बारिश की और पीटीवी पे हमला किया, वो सब कुछ पीटीआई ने किया था, क्या उस आज पीटीआई इस देखिए कौन से माफी? पहली बात तो यह है कि ये तो बड़ा ही बदकिस्मत वाली बात होगी कि अगर आप एक जेन्युइन पॉलिटिकल मूवमेंट को एक फितना अंगेज मूवमेंट के साथ जोड़ दें। जो पीटीआई की जब मूवमेंट शुरू हुई थी, पीटीआई की मूवमेंट क्या थी? पीटीआई की मूवमेंट ये थी कि पैनामा में प्रॉपर्टीज नहीं होनी चाहिए, पीटीआई की मूवमेंट थी कि इलेक्शंस फ्री एंड फेयर होने चाहिए, पीटीआई की मूवमेंट ये थी कि आप अरबा रुपया बाहर लेके नहीं जा सकते, इसके ऊपर एहतजाज हो रहा था। ये डेमोक्रेटिक राइट्स हैं जिनके ऊपर एहतजाज होता है,
जब आप एक डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए प्रोटेस्ट करते हैं, एक पॉलिटिकल प्रोटेस्ट करते हैं, उसकी नौयत मुख्तलिफ है उस प्रोटेस्ट से जो कि फितने के ऊपर मबनी हो। आप दोनों को इकट्ठा कर ही नहीं सकते। इस तरह तो फिर अगर आप कहेंगे तो फिर पीएमएलएन के बेशुमार प्रोटेस्ट हैं, पीपल्स पार्टी के बेशुमार प्रोटेस्ट हैं। कभी किसी ने कहा कि वे पीपल्स पार्टी ने या पीएमएलएन ने माजी में ये जो प्रोटेस्ट किए वो गलत हुए? उसके ऊपर भी जो लीडरशिप है वहां पर कभी किसी ने ये नहीं कहा कि आपने अपने डेमोक्रेटिक राइट्स को खत्म करके, आईन को हम नहीं मानते, कानून को हम नहीं मानते, और इस तरह की डिक्टेशन देने की कभी बात नहीं हुई। डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स को और इसको जो है करना चाहिए। एक मिनट साहब, ये बता दें कि माजी में आपकी टीएलपी एक महबूब जमात थी, इनके साथ मिलकर आपने प्रोटेस्ट भी किया, आपने रियासत की रिट को चैलेंज भी की, उस टाइम आपने पीटीए पे हमला भी किया, पार्लियामेंट का तकद्दस भी जमा दे चुका हूँ, ठीक है। तो क्या उस टाइम अगर आपके खिलाफ इसी तरह आपकी जमात को कलदम करार दिया जाता तो आपको बुरा ना लगता? एक बात, दूसरा तोहीन अदालत का केस आपके खिलाफ जस्टिस काजी फाइज साहब ने दायर किया हुआ है, क्या सुप्रीम कोर्ट से आप माफी मांगेंगे? पहले सवाल का जवाब तो पहले ही दे चुका। दूसरा सवाल का जवाब यह है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिया तो फिर जाहिर है कि उसको देखेंगे। अच्छा, राजा रियाज ने कहा है कि जहांगीर तरीन को इंसाफ ना मिला, जहांगीर तरीन दोनों कथा कर लो ना। सर, मेरा सवाल ये था कि आज जहांगीर तरीन उनके साथ सर इधर मेरी बात सुन लेना, आज जहांगीर तरीन उनके इत्तेहादी एमएनएज एमपीएज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें हुकूमत को कहा गया है कि वो अपना रवैया दुरुस्त करे वरना हम अपना आखिरी लाया अमल जो है वो साहब को कहे कि इंसाफ करें, जबकि जो उनके हम ख्याल ग्रुप है एमएनएस और एमपीएस का, उनका अगर ना देखा गया तो वो कोई लाए अमल बनाएंगे, तो ये क्या बात है? आपका भी अलार्मिंग नहीं है? तीनों आपका तीनों का यही देखिए बात ये, जहांगीर तरीन साहब का जो मामला है वो कोई पहली दफा नहीं हुआ। पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हुकूमत में सबसे पहले डॉक्टर बाबर अवान साहब के ऊपर इल्जाम लगा, उन्होंने इस्तीफा दिया, अपने मौकफ अदालत में साबित किया, वापस आए। उसके बाद अलीम खान साहब के ऊपर हुआ, उन्होंने इस्तीफा दिया, जमानत अपना ली, वापस आए। उसके बाद सत्यन साहब के ऊपर हुआ, उन्होंने इस्तीफा दिया, वापस आए। जहांगीर तरीन साहब के ऊपर भी जो इल्जाम है वो उन्होंने अदालत में साबित करना है, और ना ही जहांगीर तरीन साहब का जो है वो कोई जाती प्रॉब्लम है हमारा हुकूमत का, ना ही उनका कोई जाती प्रॉब्लम है हुकूमत के साथ। सो कई दफा ये हो जाता है कि जो जाती नाराजगियां हैं वो भी दूसरों के ऊपर डाली जाती हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे उम्मीद है कि जहांगीर तरीन साहब अपना जो मुकदमा है वो अदालत में लड़ेंगे, और उसके मुताबिक जो इंसाफ के ऊपर, जो पाकिस्तान के आईन और कानून के मुताबिक प्रोसीडिंग्स हैं वो आगे बढ़ेंगे। साहब, आप जिस तरह खुद बिलाग हैं, इसी तरह मुल्क के अंदर बिलाग है तो साहब नजर नहीं आ रहे। शहबाज शरीफ जेल में है और शौकत तरीन को आपने वजीर खजाना बना दिया। एक बार दूसरा सवाल मेरा ये आपसे कि टीएलपी के राज से या हिंदुस्तान के साथ कोई शवायद मिले हैं, या फिर आपने 20 अप्रैल के धरने के बाद हुकूमत को इंतहाई कदम उठाना पड़ा? एक चीज ऐड कर लें कि हाई प्रोफाइल केसेस में दोबारा जमानतें शुरू हो गई, केसेस मुंतकिन का अंजाम तक नहीं पहुंचे। देखिए बात यह है, हुकूमत का काम है इन्वेस्टिगेशन करना, इन्वेस्टिगेशन करके जब आप अदालत को दे देते हैं उसके बाद तो अदालत जाने और मुलजम जाने। हम उससे ज्यादा, हम कोई डिक्टेटरशिप तो नहीं चला रहे ना, जहाँ पे अदालतें भी एक ही हैं या वो अपना, हम यहाँ पे एडवर्सोरियल सिस्टम है, उस टाइम में टाइम लगता है जहाँ पे आपने अदालतों में, और ये बात से मैं आपसे मुतफिक हूँ, मैं ही नहीं प्राइम मिनिस्टर साहब भी मुतफिक हैं, वो आपको मालूम है, कई दफा ये बात कर चुके हैं कि हमारे निजाम में इतना टाइम लग जाता है कि वो इंसाफ जो है वो कहते हैं ना, जस्टिस शुड नॉट बी डन बट सीम टू बी डन, इंसाफ होना नहीं चाहिए, होते नजर भी आना चाहिए। ये जो होते नजर आने वाला मामला है, इसके वजह इसके जो हमारी कॉम्प्लिकेशंस हैं, जो इसमें हमारी जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, उसकी वजह से इंसाफ में ताखीर होती है, और जाहिर है फिर ये सवाल उठते हैं जो अभी आपने किए। आप टीएलपी के साथ जो आप लोगों के पहले वायदे हुए वो कि वो दबाव में थे, एक तो उनका क्या स्टेटस रहा है, दूसरा ये कि आपने कहा कि पुलिस फ्रंट लाइन पे, हमने देखा कि पूरे मुल्क में पुलिस को बुरी तरह टॉर्चर किया गया। बात ये है ना, इनके पास वसाइल हैं, इनके पास इवन के इतने बैटर नहीं है कि लोगों को रोक सके, आपको रेंजर को कॉल करना पड़ा, तो ऐसे क्या स्टेप्स लेंगे कि इनको एम्पावर किया जाए ताकि ये खुद खड़े होकर? तो सर इसी के साथ ही एक और ऐड कर लें कि अभी जो है वो पुलिस की जानिब से आजकल वीडियोज आ रही हैं कि उनको जो है मारा जा रहा है बारी बारी, पकड़ पकड़ के जिनको
تو یہ کہ غلط نہیں ہے کہ عدالتوں میں پیش کرنے کی بجائے ان کو خود جو ہے مرغے بنا کے جو نعرہ یا رسول اللہ کا لگانے والے ہیں ان کو قانون کے حوالے کریں, نعرہ لگوا رہے ہیں ان سے. آپ نے 3 سے 4 گھنٹے اگر آپ اتنے سارے سوال کریں گے یاد ہی نہیں رہے گا. کس نے اسی سے ریلیونٹ ہے کہ سوشل میڈیا پر پابندی سے لگائی گئی ہے کہ اس طرح کی ہیٹ سپیچز کی ویڈیوز نہ وائرل نہ ہو, لیکن ابھی تھانوں میں سے یہ ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں کہ مار کی ٹوریاں نہیں ہونا. نہیں نہیں بالکل صحیح بات آپ کی. کوئی بھی ہم دیکھیں پاکستان کا آئین ہے آرٹیکل 14 جو ہے وہ آپ کو رائٹ آف ڈگنیٹی دیتا ہے, عزت کا حق دیتا ہے, اور قانون کے مطابق جو ہے وہ کاروائی جو ہے وہ ہونی چاہیے, اور کسی کو بھی قانون سے ہٹ کے نہیں ٹریٹ کرنا چاہیے, چاہے وہ بشک دہشت گرد بھی ہو اس کو بھی حق ہے کہ اس کو قانون کے مطابق ہی ٹریٹ کیا جائے, اور پولیس ایسے ہی کرے گی, کوئی اس میں ایسا دو رائے نہیں ہے. دوسری بات جو آپ نے کہا کہ ٹی ایل پی کے ساتھ معاہدوں کا کیا اسٹیٹس ہے, تو اب تو ٹی ایل پی ختم ہو گئی ہے. ناؤ دا بینڈ آرگنائزیشن کے ساتھ جو بھی ایگریمنٹ ہوں گے یا بات چیت ہوگی وہ تو ویسے ہی اوائڈ ہو جائے گی. باقی وزراء کو دیکھیں, وزیر اعظم کو دیکھیں, کرپشن اور احتساب کی بات کرتے ہیں, جہانگیر ترین کا معاملہ آتا ہے, چینی آتی ہے, یہ غریب 20 کروڑ عوام کا کب ذکر آئے گا؟ 22 کروڑ عوام ریلیف پیکج جو ان کو دیا گیا. دیکھیں عوام کی بھی بات کی جائے, صحیح بات ہے عوام. دیکھیں نا تقریر تو نہیں نا کرنی, سوال کرو نا. بات یہ ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ عوام کی, ابھی جو ہے آپ دیکھیں چینی کا ریٹ جو ہے وہ اس وقت کم ہوا ہے یا نہیں ہوا, آٹے کا ریٹ جو ہے وہ کم نہیں, نہیں ہر جگہ یوٹیلیٹی سٹورز کے اوپر مل رہا ہے. کل پرسوں جو ہے وہ 1 ارب روپے کی جو ہے وہ سیل کی ہے یوٹیلیٹی سٹور کارپوریشن نے, جو کہ ہسٹوریکل ہے. اب آپ نے کتنا ملک لیا ہے, جس طرح سے انہوں نے بالکل صحیح بات کی ہے کہ پولیس کے پاس ڈنڈے تک نہیں ہے, پولیس کے پاس وسائل تک نہیں ہے. تو جو لوگ 30 سال اس ملک کے اوپر حکومت کرتے رہے ہیں ان سے پوچھیں نا کہ یہ کیا کیا آپ نے, یہ کیا آپ نے خطر. صرف پنجاب کے اندر 3 ٹریلین یعنی تین تقریباً, صرف جو اگر آپ سندھ کو اور پنجاب کو بنائیں, 3000 ارب روپیہ خرچ ہوا ہے یہ جو پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این نے کیا صرف 5 سالوں میں. یہ میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں جو شہباز شریف نے اور مراد علی شاہ صاحب نے اور انہوں نے خرچ کیا. تو ان سے سامنے سوال جا کے رکھے نا کہ کیا کیا آپ نے 30 سال میں. اگر آج پولیس کی یہ حالت ہے, پوچھے ان سے کہ یہ اداروں کی یہ حالت ہے, یہ کیا حالت ہے. ہمیں تو ہم تو ایک تنکا تنکا کر کے بالکل جو آپ سمجھیے کہ بنیاد رکھنے ہیں اداروں کی, تمام ادارے کی تباہ برباد کر کے چلے گئے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی ان کو ٹھیک کریں گے. حرمت رسول کے لیے سب یقینی طور پر متحد ہیں, اور حرمت رسول کے لیے سب یکساں طور پر